हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सुबह का टाइम है तो मैंने मशीन लगाई है। मशीन जब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, पर्दे वगैरह, मैं तब भी लगाती हूँ, नहीं तो हाथ से ही धो देती हूँ जो भी कपड़े होते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे मशीन इसलिए लगाई थी क्योंकि मेरे पर्दे और बेडशीट हो रही थी, तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई है। और सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बजे हैं क्योंकि जल्दी लगाई है मशीन। और यहाँ पर थोड़े से कपड़े मैंने पहले से धो के रख लिए थे, पहले जो इससे पहले धोए थे। और अब यहाँ पर सुबह का टाइम है तो सब्जी बनाने की हो रही है तैयारी। आज सब्जी कुछ नहीं बनाई है ज़्यादा, सिर्फ टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाई है, जो मसाला उसकी ग्रेवी होती है, क्योंकि सब्जी खाने का मन नहीं था। तो सिंपल ऐसे ही टमाटर प्याज को काट के उसकी प्यूरी बनाई है, और वो अच्छी लगती है ऐसी बनाने से। तो उसके साथ दही भी थी और फुलके बनाए थे। तो यहाँ पर जो गैस पे तेल कढ़ाई रख दी है, और उसमें हींग, जीरा, तेल सब कुछ ऐड कर दिया है। और ये डाल दिए कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ते का पेड़ जो मेरे घर के पास नहीं है तो वहाँ से तोड़ के ले जाते हैं, एकदम ताज़ा सा और अच्छा लगता है। जब ये सुबह के टाइम घूमने जाते हैं तो वहाँ से तोड़ के ले आते हैं। और यहाँ पर ये जो प्याज है थोड़ी लंबी लंबी सी काट के रखी थी, जैसे हम सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार करते हैं उसी तरीके से बनाई हूँ। और प्याज डालने के बाद अब इसमें डाल दिए हैं सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। ये सारे मसाले डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे प्याज को। और प्याज को हल्की सी भूननी है, ज़्यादा मतलब नहीं जलानी है, सिर्फ कच्ची कच्ची सी रखनी है, क्योंकि इसके बाद जो टमाटर डालेंगे और ये दोनों जब एक साथ गलेंगी तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आएगा। वैसे तो हम इसको सॉफ्ट करते हैं। और अब इसके बाद यहाँ पे डाल दिए हैं टमाटर, टमाटर और हरी मिर्च, प्याज, तीनों को बहुत बड़ा बड़ा सा काटा था, क्योंकि ये थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे पानी डालकर तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगी और गल जाएगी अच्छे तरीके से। और ये वाली प्यूरी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, सिर्फ वो इसके साथ परांठे या रोटी सिर्फ वो ही खाते हैं, सिर्फ सब्जी नहीं बनाई थी कुछ भी, सिर्फ इसकी ग्रेवी बनाई थी। और ये चटनी का काम भी करती है और अच्छी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पर ये और बन भी जल्दी जल्दी। और अब यहाँ पर जो सब्जी है, बीच बीच में कई बार चला चला के देखा था कि नीचे से लग तो नहीं गई है, क्योंकि बीच बीच में चेक करना पड़ता है, अगर चेक नहीं करेंगे तो वो नीचे से लग जाएगी, मतलब जल जाएगी। तो यहाँ पर जो सब्जी है चलाने के बाद देखा तो यहाँ पर टमाटर प्याज अच्छे से भुन गए थे जैसे हमें चाहिए। तो यहाँ पर सब्जी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। और बस इसके बाद मैंने करा दी है इसको इस कटोरे में, बाउल में, कुछ भी बोल दो, और ये सब्जी सिर्फ मैं और ये खाएंगे। बच्चों के लिए कुछ और बनाना है क्योंकि वो लोग ये सब्जी पसंद नहीं करते हैं। तो ये वाली सब्जी जब हमने खाई थी तो टेस्टी लगती है और अच्छी लगती है। सब्जी ना हो तो ऐसी सब्जी बना ले। और यहाँ पर तन्नु आ गई है फिर मुझे दोबारा से परेशान करने। बता इसमें से कौन सी लेनी है तेरे को? ये वाली मेरे को आएगी नहीं, और आएगी तो बिल्कुल फिट आएगी, और फिट नहीं मेरे को थोड़ा लूज चाहिए। अब अच्छी तो फिर ये ब्लैक, ब्लैक अच्छी लग रही है, इसका कपड़ा भी अच्छा है। हाँ तो ये अच्छी है, ये 349 की टी शर्ट है ये वाली। और एक दूसरी, और दूसरी वो एक ये वाली है तो। पिंक वाली देख इसका साइज, क्योंकि टी शर्ट है ना अब थोड़ी खत्म हो रही है, अब फुल स्लीव्स के लेके आऊंगी। ऐसी हैगी है सी, मतलब ऐसे कलर की हैगी। अच्छा वाइट कलर में नहीं है ना? नहीं वाइट की टी शर्ट नहीं है, वाइट की थी वो भी निकल गई। अब मैं टी शर्ट ये काफी दिन से लेके रही हूँ, लगा के देख इसको। ठीक है ठीक है, ये ब्लैक वाले लूज भी है ना तो ठीक रहेगी, ठीक रहेगी, गर्मी नहीं लगेगी इसमें। ये वो वाली लोकल वाली चाइनीज नहीं है, अच्छी कंपनी की है, सॉफ्ट वाली, ट्रूली की है वैसे भी, तभी तो देख रहा हूँ। चल ठीक है, फाइनल है ये? हाँ, ये फाइनल है, क्लोज करो। और अब यहाँ पर दुकान पर आ गए हैं मैं और तन्नू। तो यहाँ पर ये बॉक्स रखा हुआ था, इसमें सामान है काफ़ी सारा, और ये वाला सामान कोमल ने दिया था बहुत दिन पहले, जब उसका सामान मैंने पहुँचाया था गाड़ी से ओला करके, तो वो ओला वाले भैया यहीं के थे, वो ये सामान लेके आए थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको समेटने का। तो आज मैंने खाली भी थे तो तन्नू भी थी मेरे साथ, तो हम दोनों ने मिलके से खाली किया, क्योंकि कोमल का जो काम है ना वो अब थोड़ा सा अलग हो गया है। पहले उसकी शॉप भी मेरे तरीके से इसी तरीके की थी, जो इस टेलरिंग मटेरियल का सामान है ये भी था उसके पास, लेकिन क्या हुआ फिर धीरे धीरे उसका ये बंद हो गया, और उसने फिर शॉप बड़ी हो गई, पहले छोटी थी फिर बड़ी हो गई, उसके बाद तो ये वाला सामान जो था सेल करना बंद कर दिया।
और ये वाला जो भी था उसके पास बचा हुआ उसने बॉक्स में करके डिब्बे में भर के रखा हुआ था और फिर मेरे को पहुंचा दिया था। तो यहाँ पर जो भी ये सामान है, चेन है, हुक है, टिच बटन है, जो सामान है वो मैंने सबको अलग अलग कर दिया। और काफ़ी अच्छा सामान था, मतलब यूज वाला था, ऐसा नहीं था कि बेकार हो गया तो उसने मुझे तब दिया, नहीं, अच्छा था। वो बटन वगैरह थे जो थे सब मैंने बिल्कुल छाट छाट के अलग अलग कर लिए। और यहाँ पर ये तन्नु भी है मेरे पास, तन्नु ने और मैंने दोनों ने किए। तो यहाँ पर जो वीडियो है वो तन्नु बना रही थी और मेरे इस हाथ में आज लग गई चोट, बहुत ज़्यादा लग गई है, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरा एक हाथ काम कर रहा है और एक हाथ राइट हैंड है उसमें लगी है चोट, बहुत तेज़ लग गई थी तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी भी हो रही है। और यहाँ पर साथ में सारा बॉक्स जो था वो खाली कर दिया, और अभी भी तो बहुत देर लगी थी इसमें, वीडियो में तो मैंने थोड़ा ही दिखाया लेकिन इसमें एक डेढ़ घंटा लग गया था इसको साफ़ करने में। और फिर भी जब हम थक गए तो मैंने इसको बंद करके रख दिया कि फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तो जब कर। और अब यहाँ पर मेरे साथ तन्नु भी आई थी दुकान पर, क्योंकि मेरे हाथ से जो काम नहीं हो रहा था तो इसी वजह से मैंने तन्नु को साथ बुलाया था। और यहाँ पर ये जो है कपड़े खुल गए थे, तो यहाँ पर कपड़े हैं ना तन्नु ने फोल्ड किए, क्योंकि मेरे हाथ से काम मतलब हो रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो बस यहाँ पर तन्नु ने कर दिए थे सारे कपड़े फोल्ड साथ के साथ, क्योंकि तन्नु को जाना भी था और यहाँ पर अचानक से कोई कस्टमर भी आ गया था। तो ये हैं सारे चीज़ें जो हैं तन्नु ने ही दिखाई है, मैंने तो सिर्फ रेट वगैरह जो भी था बताया था, क्योंकि आज सही तरीके से ना मन नहीं था, लेकिन दुकान खोलनी इसलिए ज़रूरी थी कि कस्टमर आ जाते हैं तो मना भी नहीं होता, क्योंकि कस्टमर थोड़े फिक्स वाले हो तो उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर फिर दूसरी दुकान ढूंढ लेता है तो फिर ये होता है कि वहाँ तो बंद है या नहीं मिला। तो इसी वजह से मैं तन्नु को साथ रखा आज मैंने 2-3 घंटे के लिए, और दिखाया मैंने था सब कुछ मैंने किया था, पैसे वगैरह मतलब रेट वगैरह वो मैंने बताया थी, लेकिन जो सारा समेटना था वो सब कुछ तन्नु से कराया था। और कर देती है तन्नु, मना नहीं करती किसी भी चीज़। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? और मैं यहाँ पर हूँ शॉप पे, आज शॉप थोड़ी देर के लिए ही खोली है क्योंकि मेरे हाथ में लग गई चोट और आज मैं गिर गई बहुत तेज। और ये अब मैंने इसमें गर्म कपड़ा है ये बांधा हुआ है, पट्टी नहीं बांधी, और ये इस तरीके से आज मेरे हाथ में बहुत तेज़ लगी, ये देखिए सूज गया। और मैंने कंगन भी उतार दिया क्योंकि कंगन है ना फंस रहा था इसमें। और ये देखो आज तो बहुत मतलब हाथ टूटने से ही बच गया मेरा। और मैंने ये घर के कपड़े इसलिए पहने कि जब मैं घर पे नहा के निकली थी लोअर टी शर्ट पहना हुआ था, तो उसके बाद मैं गिरी तो मेरे मतलब ये हाथ ऊपर भी नहीं हो रहा था, अब तो हो रहा है क्योंकि दवाई लेके आई हूँ तो इस वजह से हो रहा है, ये हो पा रहा है, पहले नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कपड़े भी वही लोअर टी शर्ट डलवा ली, ऐसी अजीब सी हो रही क्योंकि इसमें दर्द है ना बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से। और आज तो मेरी तन्नु ने बहुत हेल्प कराई, तन्नु आई हुई तो थोड़ा मुझे आराम मिला हुआ है, लेकिन वो भी चली जाएगी तो फिर तो करना अपने आप ही है। और इसकी वजह से आज मेरी ना कोई वीडियो बनी, ना कुछ हुआ, ना बच्चों की पढ़ाई जो भी है, ना मैंने दुकान खोली, क्योंकि इसमें दर्द है ना बहुत ज़्यादा है और अभी भी है इसका दर्द। ये देखिए अरे पूरा हाथ मेरा सूज गया है, लेकिन मेरा एक्सरा नहीं हुआ है क्योंकि इसमें दर्द ज़्यादा है, एक्सरा मैं इसका कल कराऊँगी, क्योंकि जब दर्द था तो मैंने सिर्फ दवाई ले ली थी तो मुझे थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है। आ जाओ, तो बस आज का ब्लॉग ऐसा ही बनाए कि हाथ की दर्द की वजह से मैंने कुछ खास नहीं बनाया, तो बस चलते हैं भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, सी यू, टेक केयर, आओ।